सी एस सी पेमेंट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। जितने भी सी एस सी वैली है, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में अगर आप सी एस सी वैली है कॉमन सर्विस सेंटर पर काम करते हैं और अभी तक आपने अगर ई श्रम कार्ड बनाया है या पीएफडी दिशा में काम किया हुआ है या ई एस आई में काम कर रखा था आपने, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है पेमेंट को लेकर कि पेमेंट किस मंथ में आएगा, इसकी कन्फर्म डेट निकल के आ चुकी है। तो मैं आपको सभी को बताने वाले हैं किस तारीख को जो है इन तीनों का पेमेंट आने वाला है, पीएमजी दिशा, ई श्रम कार्ड का पेमेंट और ईएसआई का पेमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको ई श्रम कार्ड के पेमेंट के बारे में बताने वाले हैं कि आपको किस मंथ में कितना पेमेंट आने वाला है। हालांकि जो अभी हाल ही में जो आप सभी को पेमेंट मिला था वह सिर्फ अक्टूबर मंथ का पेमेंट मिला था, वो भी 50% ही पेमेंट आया था। 50% का भी 50% पेमेंट ही आप सभी को दिया गया था। जैसे कि एक कार्ड का 14 रुपये हो रहा था, उसके हिसाब से आपको 7 रुपये एक कार्ड का मिला था। इस हिसाब से मतलब 50% का भी 50% सभी सी एस सी मेलिंग भाई को जो है इस श्रम कार्ड का पेमेंट मिला था। इसके पीछे कारण ये था कि सी एस सी के पास पैसे न होने के कारण सभी को आधे पेमेंट ही दिए गए थे। हालांकि अब सभी सी एस सी मेलिंग को अपने पेमेंट का इंतजार है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर वो काम करता है तो उसको अपने पेमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा जो है सीरियस रहता है। तो बात कर लेते हैं कि आप सभी को पेमेंट कब तक आएगा, इसके बारे में हम बताएंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों या मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। आपके मन में कोई क्वेश्चन सुझाव था आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सी एस सी ई श्रम कार्ड का जो पेमेंट है वो आएगा जनवरी माह में 10 तारीख तक आप सभी का पेमेंट रिलीज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कितना पेमेंट आएगा, भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जितने भी सी एस सी मेरे हैं, कॉमर्स सर्विस सेंटर संचालक हैं, जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड बनाया था, उस सभी का पेमेंट जो है 10 नवंबर तक उनके डी जी पी वॉलेट में क्रेडिट किया जाएगा। बात कर लेते हैं ई एस आई का पेमेंट। जितने भी सी एस सी मेल जो ई एस आई पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, उस सभी का जो पेमेंट है मार्च के महीने तक उन सभी का पेमेंट प्राप्त हो जाएगा। पीएमजी दिशा का पेमेंट 15 फरवरी तक आप सभी को मिलेगा। सो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक ले जाए।